वेलकम टू आर टू एशू, तो आप लोगों इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों मैं लाया हूँ आपके लिए आर टू एशू रिकवरी का अपडेट जो कलर सिक्स बीटा और आने वाले कलर सिक्स स्टेबल के लिए है, और ये उन यूजर्स के लिए है जिनका फोन है ऑलरेडी अनलॉक जो चला रहे हैं आर टू एशू रिकवरी या टी डब्ल्यू आर पी रिकवरी। अब जिन मेरे दोस्तों का फोन अनलॉक नहीं है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया अनलॉक करने के लिए, आप वहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। और इस रिकवरी से होता क्या है, इस रिकवरी से होता है आप अपने फ़ोन का पूरा बैकअप ले सकते हैं, मॉडिफिकेशन आप अलाउ कर सकते हैं और साथ में कर सकते हैं कस्टम रोम इंस्टॉल। अब आप में से मेरे कुछ दोस्त पूछेंगे कि टी डब्ल्यू आर पी क्यों नहीं R2X2 क्यों, R2X2 रिकवरी इसलिए क्योंकि जो 8GB वेरिएंट वाले जो यूज़र्स हैं उनको स्टोरेज एक्सेस करने में प्रॉब्लम जाती थी, तो मैंने उनको एक्सेस इसमें प्रोवाइड किया है। और सेकेंड आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा OGP इंस्टॉल करने का, जो अभी अल्फा स्टेज पे है, थोड़ी मेमोरी का इसकी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट अपडेट में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और थर्ड बेनिफिट ये है, इसमें कलर OS 6 की अच्छी कंपेटेबिलिटी है, तो आप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी अपने OS के साथ। तो अब आप मेरे को इसको प्रोसेस बता देता हूँ, आपको सिंपली बस दो फाइल करनी है इंस्टॉल, बहुत ईजी मेथड है। तो चलिए अब मैं उसको आपको बताता हूँ। पहले आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है मैंने अपने HD पोस्ट के, जहाँ से आपको टोटल 5 नाम की जिप उसको आपको डाउनलोड कर लें, उसमें आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और साथ में एक रिकवरी की जो फाइल है आपको उसमें मिल जाएगी देखने के लिए। तो अब आपको करना है अपने फ़ोन को बंद, यानी पावर आपको अपने फ़ोन को कर देना है, और फिर करना है आपको रिकवरी इन बूट, यानी अब जो आप रिकवरी चला रहे हो टी डब्ल्यू आर पी या R2X2, तो आप दोनों रिकवरी से आप फ्लैश कर सकते हो। पहले आपको जाना फिर इंस्टॉल में, फिर आपको करना है इंस्टॉल इमेज पर क्लिक, और जहाँ आपने R2X2 नाम की जो फाइल यहाँ आपने कॉपी की है उस पर आपको सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको रिकवरी पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ आपको नीचे से दिख रहा है जो स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश, वहाँ पे आपको स्वाइप कर देना है ताकि आपकी रिकवरी फ्लैश हो जाए। तो बहुत सिंपल तरीका है। और इसके बाद आपको दूसरी फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और वो फाइल करेगी क्या, उस फाइल से ये होगा कि जो आपकी रिकवरी है वो इरेज नहीं होगी, मतलब जब आप सिस्टम में बूट करेंगे फिर से तो आपकी ये रिकवरी स्टे रहेगी परमानेंट। तो आपको फिर माजिस नाम की जो जिप है उसको स्वाइप करके उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, यानी ये सेकंड फाइल है तो इसको आपको सिंपली इंस्टॉल आपको कर देना है। फिर आपको थोड़ा वेट करना है जब तक पूरी इंस्टॉल हो रही, और मेरे वीडियो को कर देना है आपको लाइक ताकि ये बूट लूप ना हो, मतलब दैट इज़ द कंडीशन। और बस थोड़ा इंतज़ार करना है, फिर हो जाएगा ये जल्दबाजी आपको नहीं करनी। और अपने चाहें तो आपको अगर थोड़ा सा डर है तो आप अपने डेटा अपना पूरा बैकअप ले लेना, तब ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट करना। फिर आपको करना है रिबूट रिकवरी में, ताकि आपको फिर नई रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें आप अपने फ़ोन का अपना बैकअप ले सकते हो और रिस्टोर भी आप कर सकते हो। यदि आप डेटा का बैकअप नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब जो आपका डेटा है वो इनक्रिप्टेड है, तो मैंने उसकी भी एक लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख के अपने फ़ोन को डिक्रिप्ट कर लेना, बहुत इजी मेथड है, बस उसको आप फॉलो कर जाना, आपका फ़ोन डिक्रिप्ट हो जाएगा, फिर आप अपने फ़ोन में डेटा का भी आप बैकअप ले सकोगे। और ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को खुश करने के लिए करता हूँ, तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिनको ज़रूरत है उनको आप सेंड करें। और अगर आप इस वीडियो से अगर नहीं होते हो खुश तो फिर मेरा भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस वीडियो को बनाने का। तो मुझे भी आप बताओ कि आपको जी कितनी वीडियो पसंद आई है, लाइक करके, कमेंट करके, सारी चीज़ें करके बताओ। तो आपको कर देना है सब्सक्राइब, हिट लाइक और हिट द बेल आइकन टू, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको खुश रहना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में, टेक केयर।